बालाजी, आपने हाल ही में उड़ीसा के जो आदिवासी इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पर आपका टूर था, तो आप लौटे हैं। तो 8 साल पूरा हो गया मोदी सरकार का, तो आपने क्या महसूस किया वो इलाकों में? तो मोदी सरकार को लेकर वहाँ के जो लोग हैं, जो जनजाति है, उनके मन में क्या है? देखिए, 8 साल का कार्यकाल में जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, देश के हर कोने में हम गांव-गांव तक पहुँचे, लोग तक पहुँचे, और उनके समस्या को हमने सुना। सुनने के बाद में लगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री योजना, इतना सारा योजना को लॉन्च किया, और उस हिसाब से ग्रास रूट तक पहुंचना चाहिए, आम जनता, गरीब मजदूर तक जो पहुंचना चाहिए, वो अब तक नहीं पहुंचा है। ये केंद्र सरकार तो योजना बना रही है, हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन गरीब मजदूर के लिए, जब हम केंद्र के साथ, राज्य और केंद्र सरकार आपस में दोस्ती की है तो वेल एंड गुड, लेकिन जिस प्रकार से ऊपर दोस्ती किया है तो ऊपर दोस्ती करने से नहीं होगा। ग्रास रूट तक, गरीब मजदूर तक वो दोस्ती करना चाहिए। निचले मैदान पर नहीं पहुंच रहा है केंद्र सरकार का योजना, उसके पीछे क्या कारण देखते हैं? देखिए, मैं रिव्यू मीटिंग में बैठने के बाद में पता चला तो ये अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग बहुत सारा योजना को, अभी डिजिटल इंडिया हो गया और इस डिजिटल इंडिया के तहत अभी ऑनलाइन में सब चीज हो रहा है, तो बहुत सारा चीज हमारा आम जनता, गरीब मजदूर, यहाँ अशिक्षित है, जगह जगह फार्मर सब तो अशिक्षित है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम क्या या क्या क्या योजना है और किस तरह इस योजना को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस योजना को लेंगे, उनको किस तरह फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये तो राज्य सरकार का, चाहे वो जीपी लेवल में हो, चाहे वीडियो लेवल में, डीएम लेवल में हो, इनको ये सारा ऑफिसर बैठा हुआ है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, तो इनका दायित्व तो बनता है कि आप जाके लोगों को अवेयरनेस कीजिए क्या क्या स्कीम है। लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं कीजिएगा, स्कीम के बारे में नहीं बताएंगे, वो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अशिक्षित है ना जी, जी। तो उसको जीपी लेवल में सारा फार्मर को बुलाना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी किसान, हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में एक रिपोर्ट लिया तो फिगर कितना है किसान का, फिगर कितना है, तो उन्होंने बोला 93,000। अब उसको लोन अपने कितना अप्लाई किया है, तो बोलता है 800 अप्लाई किया है किसान बीमा फसल योजना में, 93 फार्मर है, किसान है, 93,000। हाँ, 93,000 है। तो आप 800, इसका मतलब आपने अवेयरनेस ग्रास रूट तक नहीं। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हमने बोल, आपने कितना किया, नहीं हमने 66,000। अब कितना अब तक इम्प्लीमेंट हुआ लोन, तो उन्होंने बोला कि 20,000, तो 44,000 अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। तो इसका मतलब आपका अवेयरनेस का कमी। आप ऑफिसर चेयर, देखिए आपको चेयर पे बिठाया है लोगों का सेवा करने के लिए, जनता का हर योजना को डिपार्टमेंट वाइज आपको अवेयरनेस कैंप बिठाना चाहिए, इनको ये भी मालूम नहीं। आयुष्मान तो आपको क्या लगता है, ये यहाँ का जो प्रदेश का सरकार है, ये जानबूझकर लोगों के पास केंद्र सरकार का जो स्कीम वो नहीं पहुंचा रहा है, क्यों उसे डर सता रहा है? कि ये हमको लगा ये डर सता रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास योजना जब बनाया गया, आपने अच्छा, वेल एंड गुड, मैं आपका योजना बनाया हुआ कि भी जो पक्का घर, वेल एंड गुड, आप भी बनाइए, कोई बात नहीं है, आप अपने स्टेट के द्वारा सनाई स्कीम बनाया है, तो केंद्र सरकार का जो भी स्कीम है ये अगर दोनों प्लस हो जाता है तो आज के दिन में सारा आम जनता का, गरीब मजदूर का सारा छत बन जाता है, स्वच्छ भारत के साथ सबके लिए हो जाता है। ये भी नहीं हुआ है,
इतना नहीं, सबसे बड़ी बात है तो श्रेय और क्रेडिट मोदी जी को चला जाएगा, इसके लिए ये लागू नहीं हो रहा है आपको लगता है? यही यही है।